सीआरपी भाई जितने भी शहीद हुए उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख है। उन लोगों को सत सत मैं नमन करता हूँ। और जो ये पाकिस्तान के जो आतंकी जो ये हरकत किया है वो अच्छा नहीं किया है, इसके लिए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। इन लोगों को परिवार वाले को जो मुआवजा होना चाहिए उनको घर पे जाकर संतावना देना चाहिए। जी, शहीद मारे गए हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने भाई शहीद हुए उसको बदला हम सब मिलकर ले लें। कहीं ना कहीं दुख है आप लोगों में? बहुत दुख है, और अब दुख को कहाँ नहीं जा रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हम बदला लेना चाहते हैं अपने दुश्मन को। जी, इतना बड़ा घटना किया है उसको कहना ही कोई बाकी। सरकार से कोई मांग करते हैं? सरकार से मांग मतलब उसके परिवार को मांग नहीं होगा। जी, क्या चाहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिले उन लोगों को। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय अब फिर से होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? जो भी हुआ है दुखद घटना है। जी, सुरक्षा में हम लोग तैनात रहते हैं, चाहे वो किसी बटालियन का हमारा कांस्टेबल हो या पदाधिकारी हो। जी, इस तरह का हरकत उग्रवादी संगठन या आतंकवादी संगठन जिसके भी द्वारा किया जा रहा है जी, उचित नहीं है। जी, नहीं ठहराया जा सकता है उसको। जी, तो कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। अब पूरा देश एक साथ होकर इस दुखद घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ रहना चाहिए। जी, एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे जो लोग मर गए हैं, सीआरपीएफ के जवान मर गए हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और खतरनाक स्ट्राइक होनी चाहिए। जी, ये बार बार कर रहा है, एक दिन की बात नहीं है। जी, डेली का उसका हरकत है। जी, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा। जी, उससे भी कड़ा स्ट्राइक चाहिए उसके लिए। मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मुंह तोड़ जवाब चाहिए उसको, ये एक दिन की बात नहीं है। और हम लोग उसके परिवार के साथ हैं। जी, परिवार के साथ संवेदना है हम लोग का। जी, और हम लोग उसके दुख में दुखी है। सारा सर गलत हो रहा है और क्या हो रहा है। जी, हमारे जवान मारे जा रहे हैं और उसके बाद में भी यहाँ ड्रामेबाजी हो रही है। नेता लोग तो सर ड्रामेबाजी ही करते हैं। जी, और क्या बताएं, क्या उन लोगों को नहीं समझ में आता? जवान मारे जाते हैं, हम उनकी सुरक्षा में रहते हैं और वही तो जो ये आंसू बहाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? घड़ियाली आंसू है क्या जो आंसू बहाए जाते हैं नेता लोग के द्वारा? घड़ियाली आंसू है, झूठो। जवान मरते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, झूठो बोलते रहते हैं। जी, क्यों नहीं आदेश देते हैं? सेना है इतनी, वहाँ भिड़ने के लिए तैयार है। अगर आप लोग ऑर्डर दिया जाए तो क्या बदला ले लीजिएगा? बदला लेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल लेंगे। डट का सामना करने का तैयार है? बिल्कुल तैयार है। और सरकार से क्या मांग करते हैं जो लोग मरे हैं? मरे हैं तो उनकी परिवार को उनके जो कुछ मिलने वाली अनुदान या कुछ राशि है जो उनसे मिले, और उसके बाद उसके लड़के बच्चे भी बहाल होंगे और सेवा करने के लिए तैयार है। कौन जवान ऐसा जो कहता कि मैं नहीं सेवा करूँगा सरकार की? लेकिन उसके बीच कुछ कानून कायदे हैं, उस कानून कायदे के हिसाब से किया जाए। हर बार होता रहता है, उन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं किया जा रहा है।